नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी के लोग स्किल्ड फार्मर्स थे, जो गेहूं, जौ, चावल और विभिन्न सब्जियों की खेती करते थे। उन्होंने भेड़ और बकरी जैसे पालतू जानवर भी पाल रखे थे। इस सिविलाइजेशन में एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क थे। इस बात का प्रमाण मेसोपोटामिया और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों से मुहरों, मिट्टी की बर्तनों और कलाकृतियों की खोज से मिलता है। हड़प्पावासी कुशल कारीगर थे, जो अपने मिट्टी के बर्तनों और ब्रोंज एंड कॉपर के मेटल वर्क व मनके बनाने और जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विशिष्ट टेराकोटा की मूर्तियाँ और मुहरें बनाईं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर सिस्टम का यूज करते थे, जो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम और ट्रेड प्रैक्टिसेस की ओर संकेत करता था। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लुप्त होने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ प्रस्तावित सिद्धांतों में इन्वायरमेंटल चेंजेस और व्यापार मार्गों में बदलाव या नेचुरल डिजास्टर को भी माना जाता है।